यहाँ पे इंटरव्यू में आपने देखा कि मैं पूरा मतलब हड़बड़ा गया था, मतलब बोलने के लिए ही नहीं हो रहा था। तो स्वागत है अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ वापस से इंटरव्यू के लिए। तो ये फील्ड इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे वो लोग मैंने पूछा था उनको, तो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया कि आपको फील्ड जॉब करना पड़ेगा, मतलब सुपरवाइज ऐसा कुछ। तो देखते हैं अभी जाके। अभी आ गया हूँ मैं तुरबे में, और तुरबे से यहाँ से पास में ही है, तो फटाफट चलते और देखते कौन सा जॉब होने वाला है। तो ये इंटरव्यू का लोकेशन सीधा जस्ट अपोजिट है स्टेशन के। तो यहाँ पे ये सामने तो आर्यन औरा करके बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। तो चलो अभी फटाफट जाते हैं। यहाँ की लिफ्ट देख सकते हो एकदम वुडन है। तो जस्ट अभी मैं फोर्थ फ्लोर पहुँच गया हूँ। अभी देखते हैं कहाँ पे इंटरव्यू। यहाँ पे देख सकते हो भाई, पाचारो और कौरा ही दिख रहे हैं, लाइट ही नहीं है। हाँ भैया, अलग अलग कंपनी का सब डेटा हमने सेव रखा है। आपला मीटर ही देऊ। कौशल कौशल मुंबई के काम करते हैं। हाँ मुंबई के। कौन कौन रहता है घर में? ओके, आपने क्या किया करे? बीएमएस बैस। हाँ, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज मार्केटिंग। कहाँ से चल रहे हैं? अभी थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया अभी। भी हुआ है? हाँ, अभी जून में। जॉब कब से कर रहे हो? जॉब कर रहे हो? हाँ, मैं बीच में किया था, मतलब पेटीएम में भी किया हूँ। शुरुआत से लेकर अभी तक कहाँ कहाँ नौकरी की और क्या क्या किया, चाहे इसमें लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो। आप बताओ मैं कहाँ। अभी मैंने मतलब पेटीएम में किया था। पहले नौकरी कहाँ थी? पेटीएम में फर्स्ट। अरे हाँ, पेटीएम में। हाँ, आप अभी फील्ड सेल चल रही थी। हाँ, कौन सी एरिया में करते थे? वहाँ पे धारावी, सायन और मतलब ऐसा वही साइड, मुंबई साइड ज़्यादा उधर, क्योंकि मर्चेंट ज़्यादा थे ना, शॉप्स ज़्यादा है उधर, दुकानें। क्यूआर कोड बेचते थे? हाँ, क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स। हाँ बराबर, साउंड बॉक्स और क्यूआर कोड। हाँ वो बेचे। हाँ कितने टाइम काम किया वहाँ पे? वहाँ पे 3 महीने। अच्छा, 3 महीने में रोज कितनी दुकानें करते थे? हाँ रोज मतलब एक बहुत होती वैसे तो 10, 12, 13, 15। हाँ और कितना पे बेचते थे क्यूआर कोड? वो क्यू आर कोड तो सबको ज़्यादा थे। हाँ खाली साउंड बॉक्स का थे, मतलब पर डे में 2 या 1-2 बेच जाते थे। हाँ अच्छा, क्यू आर कोड को कोई पैसा नहीं देते? नहीं नहीं, क्यू आर कोड का भी था वो, उसका पॉइंट का टारगेट था। अच्छा। मतलब उसके ऊपर पॉइंट्स मिलते थे, और क्यू आर कोड के ऊपर 72 पॉइंट्स ऐसा था, और अगर री विजिट भी था उसमें। बैंक से कैसे लिंक करते थे? उसमें ऑप्शन था, उनका एक ऐप था PSA करके, हाँ पेटीएम सर्विस एजेंट करके। तो उसमें ऐसा सब था, उनका आधार कार्ड नंबर उनका सब लेके, उनका बैंक अकाउंट लिंक करके वो डायरेक्ट हो जाता था। तो वो क्यूआर कोड खाली स्कैन करने से वो मर्ज हो जाता था उनसे। हाँ डायरेक्ट उनको बताते भी थे 1 रुपये मार के वाले कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है सक्सेसफुल करके। और उसमें भी एक टारगेट रिविजिट भी था, मतलब जहाँ पे जो कस्टमर थे पहले, एग्जिस्टिंग कस्टमर, वो छोड़ के गए, तो उनके पास जाके उनका क्या प्रॉब्लम था उनको रिसॉल्व करके फिर उनको वापस से जोड़ाना, वो भी था ऐसे। 3 महीने काम किया। हाँ उसके बाद? फिर बाद में थोड़ा वो कॉलेज का एग्ज़ाम था, इसलिए फिर बीच में छोड़ गया। पेटीएम लास्ट कब छोड़ा? ये अभी पिछले साल नवंबर जनवरी 2023 में। 2023 जनवरी में छोड़ा। जनवरी 2023 में छोड़ा। हाँ उसके बाद आपने एग्ज़ाम कब दिया? 2023 में। हाँ 23 से चालू ही था। बीएमएस का फाइनल कब दिया? फाइनल अभी ये साल 24 में। 3 साल? हाँ 3 साल। तो उसके बाद बीच में 3 महीने नौकरी किया? बाकी नौकरी नहीं? नहीं नहीं, बाकी कोई किया। तो अभी दोबारा अभी नौकरी करना है? हाँ अभी नौकरी करना है। यहाँ पे एक इंटर्नशिप कर रहा था आदित्य बिरला में, सेल्स एग्जीक्यूटिव का, वहाँ पे इंश्योरेंस का था, तो वही सीख रहा था आदित्य बिरला में इंश्योरेंस। हाँ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हाँ वही चालू। क्या आदित्य तो जो काम करो तो सीखो ना बेटा, अभी तो शुरुआत ही है। हाँ अभी तो आपने सीखा ही कितना है। हाँ सीखो, वहीं पे सीखो ना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस मुश्किल है, हेल्थ इंश्योरेंस तो आसान है। हाँ क्या दिक्कत है सर? अभी तो फ्रेश है, अभी स्टार्ट करना ही है। नहीं नहीं बेटा, मैं आपको परेशानी तो ये मैं आपसे के लिए वो पनवे के लिए। वहाँ पे मतलब क्या रहेगा जॉब रोल? जॉब रोल वहीं पर रहने वाला आदमी चाहिए मुझे। हम
जहाँ पर नौकरी होती है उसी एरिया का आप बंदा लेते हैं। दूर जाने से हम लोग वहाँ पर 25 लोग हैं मुंबई में, यहाँ पे लोग काम करते हैं, तो जो भी जैसे अंधेरी ईस्ट का है तो अंधेरी ईस्ट का ही चलता है, अंधेरी वेस्ट का है तो अंधेरी वेस्ट का ही आदमी चाहिए, घाटकोपर है तो घाटकोपर का चाहिए, हम उस तरह से काम करते हैं। मैं पूछा था बट आपने अच्छा किया आप आए, आपको समझे, देख लिया, समझ लिया, मेरे पास आप जमीन में नौकरी आएगी मैं आपको सबसे पहले चले। आप अभी शुरुआत है, अच्छा कीजिए काम, अच्छे से काम कीजिए, हो सकता है 6 महीने बाद मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरे पास आपका CV है, आपको फोन करके बता दूँगा। पर आप थोड़ा अभी बता दो तो कि क्या है वर्क, क्या है था इधर, जॉब क्या है, जब होगा तभी तो बता। नहीं नहीं ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं बता सकता, नहीं बता सकते तो कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। कंपनी जो है ये रिसर्च कंपनी, रिसर्च कंपनी, हाँ रिसर्च का काम करते हैं। रिसर्च दो तरह से होती है, एक डिजिटली हम रिसर्च करते हैं और एक मैनुअली रिसर्च करते हैं, हाँ दोनों तरह की रिसर्च होती है। मैनुअली भी करना पड़ता है घर घर जाके भी, और डिजिटल भी करते हैं कि हम कुछ मीटर लगाते हैं उनके घर में, वहाँ से डेटा आते हैं। अच्छा, डेटा का काम है, रिसर्च का काम, इतना मैं अभी तक आपको बता सकता हूँ। चलिए ठीक है बेटा, तो फाइनली अभी मैं इंटरव्यू देके आ गया हूँ। तो अभी मैं जहाँ पे गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो आपने देखा कि मैंने जस्ट इंटर मारा, मुझे लगा कि एक ही इंटरव्यूअर रहेगा या कोई HR बैठा रहेगा, तो वहाँ पे देखा तो भाई 4 लोग थे तो वहाँ पे बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। और उसी वक्त मैं थोड़ा बहुत ऐसे मतलब नर्वस हो गया थोड़ा, तो मैं उधर गया अंदर बैठा थोड़ा, और फिर बाद में वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब नॉर्मली इंटरव्यू था, इतना कुछ मतलब टफ नहीं था, पर जहाँ पे मैंने मतलब जो वो लोग एक्सपीरियंस पूछ रहे थे कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपने किया है क्या नहीं, तो मैंने वही बताया। पर जब मैंने आदित्य बिरला का नाम लिया कि मैंने उधर भी इंटर्नशिप कर चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि वहाँ पर आप क्यों नहीं लगते जॉब के लिए, तो उसका मुझे आंसर नहीं पता था, तो मैंने इसलिए उनको कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं बोला कि क्या बोलूँगा अभी बराबर, क्योंकि भाई मैं भी तो एक मैं भी प्रेशर ही हूँ, मैं भी अभी अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्यों करना नहीं है उसका रीज़न नहीं पता था। तो जब मैंने उसका आंसर ही नहीं दे पाया तो उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर लिया। पर वो लोग बोले कि मैं आपका जो रिज्यूम है वो संभाल के रखता हूँ, आप आपके एरिया में जब भी हमारा ज़रूरत पड़ेगा तब आपको हम लोग कॉल करेंगे और बताएंगे। तो यार आपने ये देखा कि मेरा आज इंटरव्यू का कैसा हुआ, तो आप आगे जाके आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो उसके पहले आपको बहुत ही सोच के जाना है कि आपको मतलब क्या करना है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही मुंह उठा के चले गए और मतलब जो आया मन में वो बोलते गए, तो ये नहीं करना है। तो ये इंटरव्यू से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, तो ये पता चला कि भाई जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आपको ना पूरा एकदम वेल प्रिपेयर होकर जाना है, मतलब कि क्या सोच के जाना है कि जब इंटरव्यू कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपने जो बताया वर्क प्रोफाइल आपका, कहाँ पहले काम किया है, तो उसके बारे में कुछ भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा तो आपके वो आंसर होना चाहिए आपको, क्योंकि तब अगर आप सोचने लगोगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इंटरव्यूअर तो वैसे ही रिजेक्ट करना ही है उसको, अगर आपको कन्फ्यूज दिखेगा तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको कन्फ्यूजन बंदे थोड़ी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब आप पॉइंट पकड़ के रख सकते हो। तो आज के इंटरव्यू लगे बस इतना ही, और देखा कि मैं फेलियर कैसा रहा और इसके क्या रीजंस थे फेलियर के तो आपने देखा, और आप भी अगर जाओगे इंटरव्यू के लिए कहीं पे तो ये रीज़न को माइंड में रख के जाना, तो आपको भी जाके आगे कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा तो होगा। तो यही था आज के इंटरव्यू के लिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में और ऐसे ही नए नए एक्सपीरियंस और लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।